तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने हमको प्रदान कर दिया है कि हम हनोक की पुस्तक के ऊपर एक बार फिर से अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। हनोक की पुस्तक की गहरी बातों को एक बार फिर से हम जानने और समझने जा रहे हैं। और आज हनोक की पुस्तक के अंदर जो अध्ययन हम करेंगे, वो अध्ययन को करने के बाद आप रोमांचित हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के जो चिन्ह हैं, जो कि पौलुस के द्वारा बताए गए, यीशु मसीह के द्वारा बताए गए, उन चिन्हों को हनोक ने जल प्रलय से पहले अपनी पुस्तक के अंदर दर्ज कर दिया था। और बहुत सारी रोमांचक बातें जो हैं उनका अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं, जिनको जानने के बाद आप खुद भी रोमांचित हो जाएंगे और हनोक की पुस्तक का अध्ययन करने में आपको और भी ज्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। आज हम हनोक की पुस्तक के चैप्टर नंबर 80 से 84 तक का अध्ययन करेंगे और आप इस अध्ययन के अंदर इस बात को जानेंगे कि यदि हम हनोक के पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, तो हम कभी भी जल प्रलय से पहले का जो इतिहास है, मानव इतिहास जो था, जो कि जिसके बारे में हमारे पास ना के बराबर जानकारी है, हम उसको कभी भी नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए हनोक की पुस्तक, जो कि एक नॉन कैनोनिकल किताब है, देखिए मैं कई बार इस बात को इस अध्ययन के अंदर बोल चुका हूं कि हनोक की पुस्तक का अध्ययन करने के द्वारा हम हनोक की पुस्तक को बाइबल की पुस्तकों के बराबर स्थान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ हनोक की पुस्तक का अध्ययन एक ऐतिहासिक पुस्तक के तौर पर कर रहे हैं, एक सेक्युलर पुस्तक के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं से भी हनोक के द्वारा दी गई भविष्यवाणियों का या हनोक की पुस्तक में लिखे हुए लेखों को बाइबल के पुस्तकों के बराबर स्थान देने का प्रयास नहीं कर रहे। तो आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर साफ रखें। जब मैंने इस अध्ययन का पहला लेसन आपका लिया था, पहले लेसन के पहले शब्द जो मैंने आपको बोले थे वो ये बोले थे कि हनोक की पुस्तक जो है वो एक नॉन कैनोनिकल किताब है, यानी कि उसको बाइबल में शामिल नहीं किया गया क्योंकि अर्ली चर्च फादर्स को ये पुस्तक ऑथेंटिक नहीं लगी। अब उनको क्यों नहीं लगी, क्या कारण थे, वो एक अलग विषय, और हम इसको जबरदस्ती बाइबल की पुस्तकों के साथ मिलाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं इस अध्ययन के द्वारा, लेकिन हम सिर्फ इस अध्ययन में हनोक की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है उसको जानने का और उसको समझने का एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि बाइबल की भविष्यवाणियों को समझने के लिए एक नया पहलू जो है वो हमारे सामने खुल जाए, ओपन हो जाए। तो ये प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट एक बार फिर से देने के द्वारा अब हम अपने अध्ययन के अंदर आते हैं और हनोक की पुस्तक उसका 80th चैप्टर से हम अपने अध्ययन को आज प्रारंभ करेंगे। हनोक की पुस्तक उसके 80वें अध्याय के अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। उन दिनों में स्वर्गदूत यूराइल ने मुझे उत्तर दिया और कहा, हनोक देख, मैं तुझे सब कुछ दिखाता हूं और मैं तुझे सारी बातें प्रकट करता हूं ताकि तू उन्हें देख सके, इस सूर्य और चांद में और स्वर्ग के तारों के अगवे और वे सब जो परिक्रमा करते हैं, अपने व्यवहार और अपने समय और अपने प्रस्थान। पापियों के दिनों में वर्ष छोटे हो जाएंगे और उनके वंश भूमि और खेतों में आलसी हो जाएंगे और पृथ्वी की सारी चीजें बदल जाएंगी और अपने समय में प्रकट नहीं होंगी और वर्ष रुक जाएंगे और स्वर्ग उसको रोक लेगा। देखिए यहां पर कई एक सारी भविष्यवाणियां अब यूराइल स्वर्गदूत के द्वारा हनोक को प्रदान की जा रही हैं। और यूराइल जो है वो यहां पर कहता है दूसरे वचन में, पापियों के दिनों में वर्ष छोटे हो जाएंगे। हनोक की पुस्तक का पहला अध्याय का अध्ययन जब हमने किया था तो हमने इस बात को देखा था कि हनोक की पुस्तक के पहले अध्याय के अंदर ही हनोक ने इस बात को बोल दिया था कि ये सारी बातें जो हनोक ने अपनी पुस्तक के अंदर दर्ज की हैं, ये सारी बातें अंत के दिनों में रहने वाले लोगों के लिए हनोक दर्ज कर रहा था। यानी जल प्रलय के पहले की जो पीढ़ी थी उसके लिए हनोक ने ये बातें नहीं लिखी थी,
बीते शताब्दियों की सहस्त्राब्दियों की जो पीढ़ियां हुई उनके लिए हनोक ये बातें नहीं लिख रहा था, लेकिन हनोक ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि वो पीढ़ी जो महाकलेश काल के समय आएगी यानी अंत के दिनों में आएगी उनके लिए मैं इन सब बातों को लिख रहा हूं, क्योंकि वो ही पीढ़ी ऐसी होगी जो हनोक की पुस्तक में लिखी हुई बातों को समझ पाएगी, जान पाएगी। और यहां पर यूराइल जब हनोक को कहता है कि पापियों के दिनों में ऐसा होगा कि दिन छोटे हो जाएंगे, अब भविष्यवाणी यूराइल के द्वारा हनोक को दी जा रही है और हनोक ने उसको राइट डाउन किया जल प्रलय से पहले, यानी कि हजारों साल पहले हनोक ने इस बात को लिखा कि पापियों के दिनों में दिन जो है वो छोटे हो जाएंगे। अब आपको यह बात जानकर के हैरानी होगी कि यही की यही भविष्यवाणी पौलुस के द्वारा भी कुरंथ की कलीसिया को प्रदान की गई थी। और कहां की गई थी? पहला कुरंथियों उसका 7 अध्याय और उसके 29वें वचन के अंदर पौलुस ने यही भविष्यवाणी कलीसिया को प्रदान करी थी। और पौलुस इस बात को कहता है कि हे मेरे भाइयों, मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि समय कम किया गया है, समय जो है वो कम कर दिया गया है। और उससे भी ज्यादा हैरानी आपको ये बात जान करके होगी कि यही भविष्यवाणी हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा भी अपने शिष्यों को प्रदान की गई थी। और कहां पर प्रदान की गई थी? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 22वें वचन के अंदर यीशु ने यह भविष्यवाणी अपने शिष्यों को प्रदान करी थी। और यीशु ने वहां पर क्या कहा था, हम उस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर यीशु कहता है, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में परमेश्वर दिनों को घटा देगा और चुने हुओं के कारण परमेश्वर अंत के दिनों को या जो दिन होंगे उनको घटा देगा। और यहां पर पौलुस कहता है कि मेरे भाइयों, समय कम किया गया है, परमेश्वर ने जो समय बहुत जाता उसको परमेश्वर ने कम कर दिया है। और हनोक की पुस्तक में यूराइल जो है वो हनोक को कहता है कि पापियों के दिनों में वर्ष जो है, समय जो है या दिन जो है वो घटाए जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब ये ऐसे कैसे हो जाएगा? देखिए, आप लोगों ने महान वैज्ञानिक आइंस्टीन जो है उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। और आइंस्टीन जो है उसने अपने जमाने के अंदर एक थ्योरी बनाई थी जिसको आज भी जो साइंटिस्ट हैं वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी पूरी तरह से साइंटिस्ट उस थ्योरी को समझ ही नहीं पाए हैं और उस थ्योरी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आइंस्टीन जो था उसने इस बात को बताया था कि अगर इंसान समय के साथ दौड़ना शुरू कर दे, समय के साथ रेस लगाना शुरू कर दे, तो समय इंसान को पीछे करने की करेगा और इंसान समय को पीछे करने की करेगा और इस कश्मकश के अंदर दिन जो है वो बहुत तेजी से बीतने शुरू हो जाएंगे, बहुत तेजी से चलने शुरू हो जाएंगे। और आइंस्टीन ने ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दी थी उसको आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी पूरा होता हुआ देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? आज हम समय के साथ दौड़ लगा रहे हैं। 5 मिनट बचते हैं ऑफिस जाने में, हम अपना बाइक स्टार्ट करते हैं और उसकी गति बढ़ाते हैं, हम समय को पीछे करने की करते हैं, समय हमको हराने की करता है। और इस कश्मकश के अंदर रोज कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कब रात होती है, कब 1 महीना बीत जाता है, कब 1 साल बीत जाता है, हमको पता ही नहीं चल पाता है। अभी तो हमने लॉकडाउन के समय गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाया था अभी तो, और अभी आप देखिए हम वापस से गुड फ्राइडे और ईस्टर मना रहे हैं। कब 1 साल बीत गया घर में बंद हुए हमको पता ही नहीं चला। समय जो है वो तेज भागना शुरू हो गया है। पहले इंसान बैलगाड़ियों के अंदर सफर किया करता था, इंसान जो था ऊंटों पर, हाथियों के ऊपर सफर किया करता था, घोड़ों पर सफर किया करता था,
रथों में सफर किया करता था, लेकिन आज इंसान जो है वो इतनी तेज रफ्तार से यात्राएं कर रहा है कि मानव इतिहास में इतनी तेज रफ्तार से किसी ने भी यात्राएं नहीं की हैं। यहां तक कि दाऊद और सुलेमान ने भी कभी इतनी तेज रफ्तार से यात्राएं नहीं की हैं जिस प्रकार से हम कर रहे हैं। हम एरोप्लेन के अंदर यात्राएं कर रहे हैं, हम कार के अंदर यात्राएं कर रहे हैं, बस के अंदर यात्राएं कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम जो हैं वो इतने ज्यादा आज बढ़ गए हैं कि आज हम इतनी तेज रफ्तार से यात्राएं कर रहे हैं। और क्योंकि हम समय के साथ भाग रहे हैं, दिन जो है वो छोटे होते चले जा रहे हैं और वो अंत जो बहुत दूर खड़ा हुआ था, हम उस अंत के कगार के ऊपर आकर के खड़े हो गए। यानी कि जो बात पौलुस ने बोली थी कि समय कम किया गया है, यीशु ने कहा था परमेश्वर समय को कम कर देगा, दिनों को घटा देगा। हनोक ने भी इसी बात को लिखा है, जो यूराइल ने उसको बताई थी वो बात जो है वो आज हमारे समय में पूरी हो रही है। कब दिन निकलते हैं, कब साल निकलते हैं, कब महीने निकलते हैं, हमको पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि दिन जो है उन्होंने तेजी से चलना शुरू हो कर दिया है। आइंस्टीन की थ्योरी जो है वो वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में हमको पूरी होती हुई दिखाई दे रही। उसके बाद हनोक के पुस्तक में यूराइल ने किस बात को बताया है। हनोक के पुस्तक में यूराइल आगे इसी वचन में कहता है कि इंसान का जो वंश होगा वो भूमि और खेतों में आलसी हो जाएंगे, भूमि और खेतों में आलसी हो जाएंगे। यानी कि इंसान जो है वो आलसी हो जाएगा, काम नहीं करना चाहेगा। अब काम नहीं करना चाहेगा, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि इंसान जो है वो आज हमारे समय में इस प्रकार का हो गया है कि जो जवान है आज के, जो नई युवा पीढ़ी है, उनको हर चीज शॉर्टकट के अंदर चाहिए, वो मेहनत नहीं करना चाहते। अब उनको शॉर्टकट में उनको ऑफिसर बन जाना है, उनको छोटे दर्जे पर काम नहीं करना है, वो आए हैं सिर्फ ऑफिसर बनने के लिए, जबकि उनके अंदर कोई योग्यता नहीं है। और वो जब बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखते हैं तो वो सोचते हैं हमको तो बस सीधा यही पद जो है वो चाहिए, और उसके लिए फिर वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, वो चोरियां करने पे उतर जाते हैं, वो किसी का खून करने से पीछे नहीं हटते हैं। अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को एकाएक ही ऊपर की तरफ जाना है, काम करने में वो आलसी हो गए हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज एक युवा पीढ़ी जो है उसमें एक वर्ग ऐसा भी आ गया है जो पूरी तरह से निठल्ले हो गए हैं, वो बिल्कुल भी नौकरी नहीं करना चाहते हैं, वो जीवन में आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई निवाला लाए और ला करके उनके मुंह के अंदर डाल दे और वो बैठे बैठे ही घर के अंदर उनको सब कुछ मिल जाए। एक पीढ़ी ऐसी भी आज आ गई है। तो इस बात के दो पहलू हैं, और जो बात यूराइल ने हनोक को बताई थी बिल्कुल वैसा का वैसा हमको आज की पीढ़ी में देखने को मिल रहा है, पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। उसके बाद हनोक को यूराइल एक और भविष्यवाणी देता है कि अंत के दिनों में क्या होगा। इसी दूसरे वचन में वो कहता है, और पृथ्वी की सारी चीजें बदल जाएंगी और अपने समय में प्रकट नहीं होंगी, और वर्षा रुक जाएगी और स्वर्ग उसे रोक लेगा। यहां पर इस बात को यूराइल ने बताया था कि अंत के दिनों में सब चीजें जो हैं वो बदल जाएंगी, हर चीज रुक जाएगी, वर्षा रुक जाएगी, स्वर्ग जो है वर्षा को रोक लेगा। और आज आप देखिए हर चीज जो है वो बदल गई है। सर्दी के समय में गर्मी आ जाती है, बारिश आ जाती है, बेमौसम बारिश आ जाती है, मानसून के समय में मानसून नहीं आता है, रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है, एंटार्क्टिका की बर्फ पिघल रही है, ओजोन की लेयर फट चुकी है, हर चीज जो है वो अस्त व्यस्त हो रही है, पर्यावरण का चक्र जो है वो गड़बड़ा रहा है, वर्षा पर्याप्त नहीं हो रही है, डैम सूख रहे हैं, पानी की किल्लत हो रही है। और ये सब बातें जो थी वो हनोक को यूराइल के द्वारा पहले ही बता दी गई थी। उसके बाद आगे की भविष्यवाणी के अंदर यूराइल क्या कहता है, तीसरे वचन में, ये वचन जो है आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा हनोक करने जा रहा है अंत के दिनों का।
उन दिनों में पृथ्वी के फल सुस्त हो जाएंगे, पृथ्वी के फल जो हैं वो सुस्त हो जाएंगे और अपने समय में उत्पन्न नहीं होंगे, और पेड़ों के फल अपने समय में रुक जाएंगे। देखिए यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। यहां पे हनोक कहता है, यूराइल ने हनोक को कहा, हनोक ने राइट डाउन किया कि अंत के दिनों में, पापियों के दिनों में, पृथ्वी के जो फल हैं वो सुस्त हो जाएंगे और अपने समय में उत्पन्न नहीं होंगे। पहले नजरिए से देखने पर ये वचन जो है, हम यहां पर इसको देख सकते हैं कि पृथ्वी पर जो पेड़ों के अंदर जो फल होते हैं वो अपने समय पर उत्पन्न नहीं होंगे, यही लिखा हुआ है। लेकिन जब आप ध्यान से इस तीसरे वचन को पढ़ें तो यहां पर ये बात नहीं बताई गई है, क्योंकि आगे इसी वचन के अंदर यूराइल ने हनोक को कहा था कि अंत के दिनों में पेड़ों के फल भी समय पर उत्पन्न नहीं होंगे। उस वचन को हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, तीसरे वचन को देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है। उन दिनों में पृथ्वी के फल सुस्त हो जाएंगे और अपने समय में उत्पन्न नहीं होंगे, और पेड़ों के फल अपने समय में रुक जाएंगे। यानी पृथ्वी के फल कोई और चीज है और पेड़ों के फल कोई और चीज है। यानी दो बातें जो थी वो यहां पर हनोक की पुस्तक के अंदर बताई गई हैं, कि पेड़ों के फल भी अपने समय पर उत्पन्न नहीं होंगे अंत के दिनों में, और जो पृथ्वी के फल है वो भी अपने समय में उत्पन्न नहीं होंगे, डिले होगी उनके उत्पन्न होने में। पृथ्वी के फल क्या है? पृथ्वी के फल इंसान है, यानी जो प्रोक्रिएशन है, इंसान का उत्पन्न होना है, इंसान का जन्म लेना जो है, आज पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। लेकिन उसके बावजूद यूराइल ने हनोक को क्या बताया कि अंत के दिनों में जो मनुष्य होंगे, पृथ्वी के फल जो होंगे, उनके उत्पन्न होने की रफ्तार जो है वो सुस्त हो जाएगी और वो अपने समय पर उत्पन्न नहीं होंगे। पॉपुलेशन जरूर बढ़ेगी लेकिन इंसान के उत्पन्न होने में देरी होनी शुरू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आज इसके भी दो पहलू हैं। आज की जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो शादी नहीं करना चाहती है। सबसे पहले उनको करियर बनाना है, ठीक है, पहले उनको करियर बनाना है, उसके बाद वो शादी करते हैं। तो वो समय जो होता है संतान उत्पन्न करने का, वो समय पीछे हो जाता है, सुस्त हो जाता है, संतान उत्पन्न होने में देरी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जिनका विवाह हो जाता है, आज ऐसा भी बहुत देखने को मिल रहा है कि जो नवविवाहित दंपत्ति होते हैं उनको संतान उत्पन्न होने में परेशानी होती है, जबकि उनके शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, और बहुत लंबे समय के बाद, कई सालों के बाद जाकर के उनके संतान उत्पन्न होती है। तो ऐसा भी हो रहा है। दूसरी ओर आज जो लोग हैं वो अबॉर्शन के द्वारा बच्चों को मरवा रहे हैं, अलग अलग जो गर्भ निरोधक तरीके हैं उनके द्वारा बच्चों को उत्पन्न होने से रोका जा रहा है। मनुष्य का जो वंश है या पृथ्वी के जो फल हैं उनके उत्पन्न होने की रफ्तार सुस्त हो रही है। हालांकि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, लेकिन हमको ये काम जो यहां पर लिखा हुआ है, ये बात, ये भी हमको आज पूरे होते हुए दिखाई दे रही है, पूरे होते हुए दिखाई दे रही है। परमेश्वर का सबसे पहला जो प्रकाशन बाइबल के अंदर दिया हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक में, वो ये दिया हुआ है कि मनुष्य विवाह करे और फूले फले और पृथ्वी के अंदर फैल जाए, भर जाए, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, परमेश्वर ने कहा था। लेकिन एक ऐसी पीढ़ी आज आ गई है जो विवाह करने से कतराती है, जो संतान उत्पन्न करने से कतराती है, और जो संतान उत्पन्न करना चाहते हैं उनमें से कई सारे लोग जो है उनके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कि ये अंत के दिनों का एक चिन्ह जो हनोक को बताया गया हो, वो चिन्ह जो है वो भी हमको दिखाई दे रहा है कि सब कुछ सही होने के बावजूद उनके संतान जो है कई वर्षों के बाद जा करके उत्पन्न होती है, कई वर्षों के बाद। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है, और साथ ही ये भी बताया हुआ है कि पेड़ों के जो फल होंगे उनके उत्पन्न होने में भी देरी होनी शुरू हो जाएगी, अंत के दिनों में ऐसा होना शुरू हो जाएगा। आगे चौथे वचन के अंदर क्या बताया हुआ है,
चांद की व्यवस्था बदल जाएगी और अपने निर्धारित समय पर प्रकट नहीं होगी, उन दिनों में सूर्य दिखाई देगा और वह शाम को पश्चिम में अत्यंत बड़े रथ में यात्रा करेगा और ज्यादा जोर से चमकेगा। देखिए यहां पर हनोक जो है वो चांद और सूरज के बारे में बता रहा है, और यीशु ने भी लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय के अंदर कहा था कि तुमको चांद और सूरज के अंदर मेरे वापस आने के चिन्ह दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आज सूरज जो है वो हद से ज्यादा गर्मी पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न कर रहा है, हद से ज्यादा उत्पन्न कर रहा है। इतनी गर्मी उत्पन्न हो रही है कि एंटार्क्टिका की, आर्टिक की बर्फ पिघल पिघल करके महासागरों के अंदर मिलती चली जा रही है। यानी वही बात जो कि बाइबल के अंदर बताई हुई है, वही बात हनोक के द्वारा अपनी पुस्तक के अंदर अंत के दिनों के विषय में लिखी हुई है। 7वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, तारों की सारी व्यवस्था पापियों से छिप जाएगी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, तारों के अंदर परमेश्वर ने एक व्यवस्था रखी है, एक लॉ रखा है, वो पापियों से छिप जाएगा और पृथ्वी पर रहने वालों के विचार उनके विषय में भटक जाएंगे। यानी तारों और नक्षत्र मंडलों के बारे में पृथ्वी के रहने वालों के विचार पूरी तरह से भटक जाएंगे और वे अपने सारे मार्गों से भटक जाएंगे और उनको ईश्वर मानने लगेंगे। देखिए तारों की जो व्यवस्था है उसको पापी लोग अंत के दिनों में नहीं समझ पाएंगे और उनकी उनके विचार जो है पापियों के, वो तारों और नक्षत्र मंडलों के विषय में भटक जाएंगे और वो तारों को नक्षत्र मंडलों को ईश्वर मान के उनकी उपासना करनी शुरू कर देंगे। लेकिन परमेश्वर ने एक व्यवस्था तारों में रखी है जिसको हम कहते हैं तारों में सुसमाचार। परमेश्वर ने पूरा सुसमाचार, पूरी बाइबल जो है वो तारों के अंदर लिखी हुई है, जैसा मैंने बीते समय आपको बताया था। और ये पूरी व्यवस्था जो है उसको अंत के दिनों में रहने वाले लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? उनके विचार भटक जाएंगे और वो इनको ईश्वर मानने लगेंगे जिनको परमेश्वर ने एक चिन्ह के रूप में रखा है, नक्षत्र मंडलों को और तारों को एक व्यवस्था बना करके रखा है कि सुसमाचार की कहानी ये तारे और नक्षत्र मंडल सुनाए, लेकिन वो उनको ईश्वर मान के पूजना शुरू कर देंगे। और बिल्कुल वैसा का वैसा आज हो रहा है, इंसान उस सुसमाचार को नहीं देख रहा है लेकिन इन नक्षत्र मंडलों को ईश्वर मान के उनकी उपासना उसने करनी शुरू कर दी है। और ये आज नहीं, ये पहले से ही हो रहा है, ग्रीक और बेबीलोनियन काल से ये हो रहा है, मिस्र के लोगों के जमाने से ऐसा हो रहा है और ये काम आज हद से ज्यादा बढ़ गया है। तारे जो हैं वो हमारे जीवन को चलाते हैं, ये सब बातें आज बताई जा रही हैं कि तारे ऐसे हो जाएंगे तो हमारे जीवन में ये होगा, होता कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा था कि तुम उनसे बिल्कुल भी भय मत खाना, क्योंकि ना तो वो भला कर सकते हैं और ना वो बुरा कर सकते। तो हम अपना जीवन ज्योतिष विद्या के सहारे नहीं बिता रहे हैं, हमारे जीवन को चलाने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हमको अपना ज्योतिष फल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फ्यूचर परमेश्वर के हाथों में सिक्योर हो रखा है, सिक्योर हो रखा है। तो यहां पर यही बात बताई हुई है कि तारों की व्यवस्था को अंत के दिनों के लोग नहीं समझेंगे, और देखिए दूसरे लोग भी नहीं समझते हैं और हम मसीही लोग भी इसको नहीं समझते हैं। हम मसीही लोग भी जानबूझ करके इन बातों को जानना नहीं चाहते। अगर उनको कहो कि तारों के अंदर सुसमाचार लिखा हुआ है तो वो कहेंगे अरे ये पास्टर सचिन जो है ये तो ज्योतिष विद्या को मानते हैं, समझ गए बात को, यही करेंगे। अगर उनको बाइबल की भविष्यवाणी सुना हो कि यीशु मसीह आने वाला है तो तारों में चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया, तो वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था अंत के दिनों में बहुत सारे भरमाने वाले आएंगे, तो ये पास्टर सचिन भी वही भरमाने वाला है, समझ गए? क्योंकि उनके विचार भटक जाएंगे, पापियों के विचार भटक जाएंगे। जो लोग धार्मिकता की खोज में है, जब वो ये बातें सुनते हैं कि तारों में भी सुसमाचार है तो वो परमेश्वर को धन्य कहते हैं। जब वो इस बात को सुनते हैं कि यीशु के आने का समय बिल्कुल हो गया है तो वो परमेश्वर को धन्य कहते हैं और अपने जीवन को सुधारना शुरू कर देते हैं, अपने जीवन को सुधारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों के जीवन पाप में फंसे हुए हैं, संसार में फंसे हुए हैं, जो
पूरी तरह से पाप में डूबे हुए हैं, उनको ये सब बातें सुन के डर लगता है, और जब डर लगता है तो वो बहाने ढूंढते हैं कि पास्टर सचिन जो है वो तो ज्योतिष विद्या को पढ़ा रहे हैं, या ये तो भरमाने वाले हैं, यीशु ने कहा था भरमाने वाले आएंगे, इस तरह की बातें बोलते हैं। जबकि उनको पता है कि यीशु के आने का समय हो गया है, यीशु किसी भी समय वापस आ सकता है। तो यहां पर ये अंत के दिनों में लोग तारों में सुसमाचार जो होगा उसको भी नहीं समझ पाएंगे, वो उनकी आंखों से पूरी तरह से छिप जाएगा, उनके ऊपर दुष्टता बढ़ जाएगी और उन सबको नष्ट करने के लिए उनके ऊपर दंड आएगा। अंत के दिनों में रहने वाले लोग जो होंगे उनके ऊपर हद से ज्यादा दुष्टता बढ़ जाएगी, इतनी दुष्टता पृथ्वी के ऊपर बढ़ जाएगी कि आज आप देख सकते हैं जन्म ली हुई बच्ची के साथ भी लोग बलात्कार कर रहे हैं, जन्म ली हुई बच्ची के साथ इतनी दुष्टता बढ़ गई है, और बलात्कार करने के बाद किस प्रकार से हत्याएं की जा रही हैं, किस प्रकार से लूटने के लिए हत्याएं की जा रही हैं, किस प्रकार के पाप आज दुनिया में हो रहे हैं। आप अखबारों में पढ़ते हैं 90 साल की 80 साल की बुजुर्ग महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, गैंग रेप किया जा रहा है, दुष्टता जो है हद से ज्यादा पृथ्वी पर बढ़ गई है। और इतनी दुष्टता पृथ्वी पर बढ़ गई है उसके बावजूद लोग, कौन से लोग, मसीही लोग, कई सारे मसीही लोग इस बात को मानने तक तैयार नहीं है, मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब जब ये अंत के दिन नहीं है तो फिर क्या अंत के दिन स्वर्ग से उतर करके पृथ्वी के ऊपर आएंगे क्या भाई? कौन उनको लेकर के आएगा? यही तो अंत है। दुष्टता हद से ज्यादा नूह के दिनों में बढ़ गई थी, परमेश्वर ने देखा तो क्या देखा कि मनुष्य का पूरा चाल चलन ही बिगड़ चुका है, प्रत्येक प्राणी ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, प्रत्येक प्राणी जिसमें जानवर भी इंक्लूडेड है, और इसीलिए परमेश्वर ने जानवरों को भी दंड दिया था जल प्रलय के द्वारा, सबको मार दिया था। और आज एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ कई साल पहले, उस साइंटिफिक रिसर्च में यह बात निकल करके सामने आई कि बहुत सारी जानवरों की प्रजातियां जो हैं उन्होंने अपने स्वाभाविक व्यवहार को छोड़ दिया है, और वो भी अब समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी में लिप्त हो गए। जानवर भी अपने स्वाभाविक व्यवहार को छोड़ करके समलैंगिकता में लिप्त हो रहे हैं, ऐसा एक साइंटिफिक सर्वे में, रिसर्च में यह बात सामने आई। और साइंटिस्ट ने कहा हमारा तो ये सिर्फ अनुमान है, ये संख्या जो प्रजातियों की है वो हजारों में आगे जा सकती है। तो आप सोच सकते हैं परमेश्वर ने नूह के दिनों में जब नीचे देखा तो क्या देखा कि प्रत्येक प्राणी ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, दुष्टता बढ़ गई थी, और उसके बाद दंड आया था। उसी प्रकार से आज, क्योंकि यीशु ने कहा जो नूह के दिनों में हुआ बिल्कुल वैसा का वैसा मेरे वापस आने से पहले होगा, और बिल्कुल वैसा का वैसा आज हो रहा है, दंड आ रहा है। और इस बार दंड देने जल प्रलय नहीं आएगी, इस बार दंड देने परमेश्वर का पुत्र यहूदा के गोत्र का सिंह आ रहा है। देखिए शेर जो होता है उसका, वो जंगल का राजा होता है। अब यीशु मसीह को परमेश्वर जंगल के राजा के रूप में क्यों भेज रहा है? यीशु मसीह जो है वो दूसरे और किसी प्राणी से उसकी तुलना क्यों नहीं की गई? बब्बर शेर से ही उसकी तुलना क्यों की गई? सिंह से ही क्यों की गई? क्योंकि सिंह जंगल का राजा होता है। जब इंसान ने जंगल राज पूरी पृथ्वी पर फैला रखा है तो जंगल राज के अंदर सिर्फ जंगल का राजा ही राज कर सकता है। यीशु मसीह उसी तरह से दंड देने आ रहा है जैसे कि एक शेर अपने शिकार को पकड़ के चबा देता है। और देखिए शेर का रुतबा बहुत होता है। मैं एक मजाक की बात आपको बताता हूं, शेर का रुतबा बहुत होता है। हमारे यहां पर बंदरों का बहुत आतंक हो रखा था, बहुत ज्यादा आतंक हो रखा था। हमारे पेड़ उखाड़ गए, हमारे घर में गंदगी कर जाते, सब कुछ सारे फूल खा गए, पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंक गए, विंडोज तोड़ गए, सब कुछ कर गए, और इतना परेशान हम हो गए। उनको मारने जाओ तो वो काटने भागते, लाल मुंह वाले बंदर जो होते हैं। तो एक दिन एक आइडिया मेरे दिमाग के अंदर आया, मैंने YouTube से
और शेर की जो दहाड़ होती है, ओरिजिनल दहाड़ जो होती है, वो डाउनलोड करी और उसको स्पीकर के अंदर उस पेन ड्राइव से उसको लगा दिया। अब जैसे ही आए और मैंने फुल स्पीकर की साउंड पे शेर की दहाड़ को लगा दिया, जैसे ही उन्होंने शेर की दहाड़ को सुना, वो 3 महीने से नहीं आए, 3 महीने तक गायब हो गए। उनको पता चल गया कि यहां पर एक शेर रहता है और अगर उसके चुंगल में आ गए तो बचने का बिल्कुल चांस नहीं है। 3 महीने के बाद अभी 2-4 दिन पहले वापस से आए, वो भूल गए होंगे शायद कि भाई शेर रहता है उस घर में। तो जब वो वापस से आए तो वही पुराना फंडा हमने अपनाया और वो स्पीकर के ऊपर जोरदार जब शेर की दहाड़ हुई तो वो पूरे इलाके को ही छोड़ करके भाग गए। उसके बाद से फिर दिखाई नहीं दिए। ये शेर का रुतबा होता है, शेर यहां पर नहीं है, उसकी आवाज, उसकी गुर्राहट जो है उसका ही रुतबा काफी है, सारे बंदर भाग गए तो हम लोग बच गए शेर की गुर्राहट की वजह से। तो जंगल का राजा बन करके यीशु मसीह आ रहा है। जब शेर का पंजा किसी के ऊपर पड़ता है तो हड्डियां तोड़ करके रख देता है। शेर के शिकंजे के अंदर अगर कोई आ जाता है तो पसलियां तोड़ करके रख देता है, इतना दम उसमें होता है। शेर का नाखून यदि किसी पे पड़ जाए तो 3 से 5 इंच गहरा छेद शेर का नाखून जो है वो अपने शिकार के शरीर में बना देता है, और उसके दांत यदि किसी को पकड़ ले तो फिर बचना जो है वो पूरी तरह से नामुमकिन हो जाता है। यीशु मसीह जंगल राज में जंगल के राजा के समान आ रहा है। जो आज भेड़िए घूम रहे हैं, जो मासूम बच्चियों को, पैदा हुई बच्चियों को नोच रहे हैं भेड़िए, उन भेड़ियों का न्याय करने के लिए जंगल का राजा आ रहा है। और उनका न्याय किस प्रकार का होगा आप सोच सकते हैं। शेर जब शिकार करता है, कैसे शिकार करता है उसको यदि आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा यीशु मसीह किस प्रकार का न्याय करने आ रहा है। आज जो लोग यीशु के दूसरे आगमन को डिनाय कर रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती अपने जीवन में कर रहे हैं। अंत के दिनों में दुष्टता बढ़ जाएगी और जब दुष्टता बढ़ जाएगी तो दंड आएगा उनके ऊपर। हनोक की पुस्तक में लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही आज हो रहा है। जब दुष्टता के लिए भविष्यवाणी दी गई है वो बढ़ रही है, तो दंड के लिए भी भविष्यवाणी दी गई है वो भी एक दिन पूरी होगी। उसके बाद हनोक की पुस्तक के आगे के अध्यायों में क्या लिखा हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। 82nd चैप्टर को अब हम पढ़ लेते हैं। अब हनोक मतुशले से बातचीत करता है। अब मेरे बेटे मतुशले, मैंने सारी चीजें याद की और तेरे लिए लिख दी हैं, हनोक की पुस्तक में लिख दी, और तुझे इन सब से संबंधित पुस्तकें दी हैं। इसलिए मेरे बेटे मतुशले, अपने पिता के हाथ से ली इन पुस्तकों को सुरक्षित रख और देख कि तू इन्हें जगत की पीढ़ियों को प्रदान कर। जगत की पीढ़ियां यानी आज हमारे हाथ में हनोक की पुस्तक है, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो जो आज्ञा हनोक ने मतुशले को दी थी उसी आज्ञा के अनुसार ये पुस्तक आज अंतिम पीढ़ी में हमारे हाथ में आ गई है, अंतिम समय में हमारे हाथ में ही आ गई है। मैंने तुझे और तेरे बच्चों को और जो तेरी संतानें होंगी को बुद्धि दी है ताकि वे इसको यानी बुद्धि को पीढ़ियों में अपने बच्चों को दें। यह बुद्धि जो उनको समझ से परे, जो उनकी समझ से परे, यानी हनोक की पुस्तक में जो बातें लिखी हुई हैं उसको बुद्धि कहकर के संबोधित किया गया है कि ये बुद्धि है जो मैंने तुम लोगों को दी है, क्योंकि बिना साइंटिफिक नॉलेज के हनोक की पुस्तक में लिखी हुई बातों को कोई समझ ही नहीं सकता है। तीसरे वचन में, जो इसको समझेंगे वे नहीं सोएंगे। जो हनोक की पुस्तक में लिखी हुई बातों को भी समझेंगे वो आत्मिक तौर से सोएंगे नहीं, परंतु वे कान से सुनेंगे ताकि वे इस बुद्धि को सीख सके। जिसके कान हो वो सुन ले, यीशु ने इस बात को कहा, ठीक है। जिसकी आत्मिक आंखें नहीं खुली हुई है वो इसको ना तो पढ़ेगा, वो सो जाएगा, और जिसके आत्मिक कान नहीं खुले हैं वो इन बातों को ग्रहण भी नहीं करेगा। लेकिन यहां पे लिखा है कि जो इसको समझेंगे वो आत्मिक तौर से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी आशा होगी कि वास्तव में हमारा प्रभु जो है उसका राज्य आ रहा है, और यह उनको भाएगी जो इसको अच्छे भोजन से अधिक अच्छा समझ के खाएंगे। हनोक की पुस्तक की बातों को जो लोग सुनेंगे समझेंगे ये बातें उनको बहुत भाएंगी, और अच्छा भोजन जो होता है
जो आपका अच्छे से अच्छा चिकन होता है, अच्छे से अच्छा आपका नॉन वेज हो, वेज हो, जिसको देखते के साथ ही आपके मुंह से पानी टपक टपक करके नीचे गिरता है। लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों के मुंह से वो गोलगप्पे जो होते हैं, पानी पूरी जो होती है, उसको देखते के साथ ही पानी टपकना शुरू हो जाता है। उस अच्छे भोजन से भी अच्छा समझ करके वो लोग इस हनोक की पुस्तक के वचनों को खाएंगे, यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये उनको समझ में आ जाएगी कि वास्तव में कुछ तो इस पुस्तक में लिखा हुआ है। लोग इसको अनऑथेंटिक कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये बेकार की किताब है, लेकिन नहीं, कुछ तो बात है इस पुस्तक में जो हमको बाइबल को समझने में बहुत ज्यादा मदद कर रही है। तो अच्छे से अच्छा भोजन जो है, उससे भी ज्यादा अनोख की पुस्तक लोगों को भाई, अब आपको भाती है या नहीं ये अलग बात है, क्योंकि आप लोगों का ध्यान, अधिकतर का ध्यान तो प्रेशर कुकर की सीटी में लगा रहता है, प्रेशर कुकर की सीटियां बजती रहती हैं, और वहां से जब खुशबू आती है, और वो भी मीट की खुशबू, चिकन की खुशबू आती है, तो फिर यहां मैं कितना ही अच्छा प्रचार कर लूं, आप लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, खुशबू जो है वो अट्रैक्ट करती है, पता है आपको, खुशबू अट्रैक्ट करती है। अगर आप खुशबू लगा करके जाएंगे तो खुशबू अट्रैक्ट करेगी, इसीलिए तो वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि वो एक्स का डीओ लगा करके क्या निकला, ऊपर से परियां आकर के नीचे गिर जाती हैं, है ना। और जब मैं एक जगह पर, जब मैं एक प्रचारक नहीं था, एक ऑर्डिनरी विश्वासी था, उस समय मैं हमारे चर्च की लैंट की मीटिंग्स लेने जब जाता था, तो मैं एक घर के अंदर गया, और उस घर के अंदर जब मैं लैंट की मीटिंग ले रहा था, तो जैसे ही मैं वचन बोलूं वैसे ही उनके प्रेशर कुकर की सीटी बोले, जैसे ही मैं वचन बोलूं उनके प्रेशर कुकर की सीटी बोले, और उनका सारा ध्यान जो था वो प्रेशर कुकर की सीटी पर था, क्योंकि उसमें मीट बन रहा था और मीट की सुगंध आ रही थी। जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सबका, सारे रिश्तेदारों का खिंचाव जो था वो किचन की तरफ था, और वो ऐसी नजरों से मुझको देख रहे थे कि अरे भाई बस खत्म कर, कितना लंबा बोलेगा, मैं तो शुरू से ही लंबा बोलता हूं, है ना। तो अब वो मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखते कि अरे भाई खत्म कर दे, वो पक गया, खुशबू आ रही है, रुका नहीं जा रहा है। तो यहां पर वही बात बताई हुई है कि अच्छे से अच्छे भोजन से भी बढ़कर ये वचन जो है वो लोगों को भाएंगे, उन लोगों को भाएंगे जो अच्छे भोजन से भी ज्यादा इन वचनों को समझते हैं। अब आप कैसा समझते हैं वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर फिर कभी और चर्चा करेंगे, अभी हम आगे के वचनों पर चर्चा कर लेते हैं।